गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री एंड वी वर डिस्कसिंग लेसन नंबर 3 में मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोल और एवो गैद्रो नंबर एंड ग्राम एटॉमिक मास, या फिर मास लिख लो, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है, वो एटॉमिक मास भी हो सकता है, मास। ठीक है, एवो गैद्रो नंबर क्या है? 6.022×10^23 मोल किसी भी एटम का, तो 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम्स या 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, सॉरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लो, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इन सबका 1 मोल 6.022×10^23 पार्टिकल्स, या एटम्स। ठीक है, क्योंकि एटम्स दिया हुआ है, एटम्स 1 मोल ऑफ कार्बन एटम 6.022×10^23 एटम्स, 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल 6.022×10^23 मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल 6.022×10^23 मॉलिक्यूल। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 1 मोल ऑफ एनी थिंग इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर 6.022×10^23 पार्टिकल्स। मतलब ये अगर पेन है, ये पेन का 1 मोल है हमारे पास, मान लो पेन का 1 मोल ये कैप है, पेन का 1 मोल ये कैप है, तो इसके अंदर इस पेन के 6.022×10^23 पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इतने एटम, 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल इतने मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इतने मॉलिक्यूल, और हर एक का एटम का मॉलिक्यूल का एलिमेंट का जो 1 मोल होता है वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, ग्राम एटम का एटॉमिक मास के बराबर होता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास के कितना होता है, कार्बन का 12 ग्राम, O2 मॉलिक्यूल का कितना हो गया मास, 1 का 16, तो 2 का कितना हो गया 32 मॉलिक्यूलर मास, इसका कितना हो गया कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, 42 ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, ये क्या है एटम का एटॉमिक मास हो गया। ये क्या है मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास हो गया, ये भी मॉलिक्यूलर मास हो गया। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का 1 मोल उसके एटॉमिक मास, एटम का एटॉमिक मास के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। ठीक है, यही हम पढ़ रहे हैं, यही हम लास्ट 2-3 डेज से यही मोल कॉन्सेप्ट को हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं, ताकि आपको ये इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही हम आगे सॉल्व करेंगे। ये रिलेशनशिप है किसका, एवोगैड्रो नंबर का मोल्स में और ग्राम एटॉमिक मास में।
ये ग्राम एटॉमिक मास जो, ये जो मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास होता है, ये कभी भी सेम नहीं होता किसी का भी। हर एक एटम का अलग होता है, आपका मास अलग नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो नंबर ऑफ वन मोल में जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं ना, एटम्स प्रेजेंट होते हैं ना, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं ना, वो सेम होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, वो कहते हैं नंबर के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो आपके इसी कॉन्सेप्ट पे बेस हैं, किसके, मॉलिक्यूल्स पे। हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, मास कैलकुलेट किया था, आज हम करेंगे मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट हो ना, कुछ भी हो, एटम या पार्टिकल्स कुछ भी लिखा हो, इन 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम है इसलिए एटम्स या पार्टिकल्स होगा, अदरवाइज क्या होगा, मॉलिक्यूल होता तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स होता। तो मोल्स कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.1। तो वन मोल ऑफ एनीथिंग, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कार्बन एटम, वन मोल ऑफ कार्बन एटम कितने एटम्स के इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10^23 एटम्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमें कितने निकालने हैं, 0.1 मोल के निकालने, ठीक है, ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा, 6.022 इंटू 10^23। ये वाला कहाँ जाता है, ये यहाँ पर, ये कहाँ जाता है, नीचे, और इसको कर देंगे हम इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आ जाएंगे कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम में, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेशन खुद कर लेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, इस पॉइंट हटा करके एक कम हो जाएगा यहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 22, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोडियम एटम, सोडियम एटम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम, 46 ग्राम ऑफ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ठीक है। क्या होता है सोडियम का एटॉमिक मास, 23 आपका, ये तो आपको गिवन है इतना। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने, मास दिया हुआ, नंबर ऑफ मोल से पार्टिकल अभी निकाले थे हमने, नंबर ऑफ, अब मास से पार्टिकल कैसे निकालेंगे, अब इसका वन मोल ऑफ सोडियम किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10^23 पार्टिकल के बराबर होता है। अब हमें यह मोल्स थोड़ा ना दिए हैं, हमें तो मास दिया हुआ है, तो वन मोल ऑफ सोडियम एटम किसके इक्वल होगा, इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, 23 ग्राम के बराबर होगा, ठीक है। तो यानी कि 23 ग्राम में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम हैव 6.022 इंटू 10^23 पार्टिकल्स। तो 46 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने आएंगे, 6.022 इंटू 10^23 एज इट इज, इसको इसके नीचे लिखते हैं 23, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 46 जो यहाँ पे होता है, ठीक है, 2, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12.44 इंटू 10^23 आंसर आ जाएगा आपका। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल आपके प्रेजेंट हैं
46 ग्राम ऑफ सोडियम में, ठीक है। वन मोल ऑफ सोडियम इतने नंबर ऑफ पार्टिकल के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, वन मोल 23 ग्राम के। तो हमें ग्राम्स में दिया हुआ है तो हम इसका यूज़ कर लेंगे, मास का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि वन मोल तो मोलिकुलर मास के बराबर होता है ना, मोलिकुलर मास हमें हर क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। इस तरह से हम नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको रिवाइज करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।